नमस्ते, स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब बहू की फ्रॉक, जादुई फ्रॉक का जादू। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब बहू रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था और वह अपने पति रामू और तीन बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में बसती थी। उनकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसमें आत्मसमर्पण और उम्मीद की किरणें भी थी। एक दिन लक्ष्मी ने गांव की बाजार में एक नई फ्रॉक को देखा। वह फ्रॉक इतनी सुंदर और चमकीली थी कि लक्ष्मी का दिल उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस करने लगा, लेकिन गरीबी के कारण उसने खरीदने का सोचा भी नहीं। फिर एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लक्ष्मी ने बाबा से अपनी मुश्किलें साझा की और उनसे कुछ सहायता मांगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम मैं तुम्हें दूंगा, ले लो ये जादुई फ्रॉक और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में जादू होता है। लक्ष्मी ने हैरानी भरे नजरों से वह फ्रॉक लिया और उसे अपने घर ले जाकर अपने बच्चों को दिखाया। जैसे ही उन्होंने फ्रॉक को पहना, कुछ जिंदगी में अद्वितीय हो गया। पहली बार लक्ष्मी का घर बहुत सुंदरता से भरा हुआ था। फ्रॉक ने जैसे ही उसके ऊपर आई, उसमें जादू छा गया और वह अचानक सफाई और सुंदरता की भरमार में बदल गया। लक्ष्मी के पति रामू भी हैरान रह गए और बच्चे खुशी से उछलने लगे। लेकिन फ्रॉक का जादू यह नहीं था कि उनकी जिंदगी में अचानक सब कुछ हो जाएगा, बल्कि यह जादू था कि वह अब अपनी जिंदगी को और भी सुंदर बना सकती थी। लक्ष्मी ने अपने गांव वालों के साथ अपना खुशी बांटी और उन्होंने भी देखा कि फ्रॉक का जादू किसी को छूने वाला नहीं था, बल्कि यह जादू उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने में सफल रहा था। एक दिन गांव में एक आम दिन था, लेकिन लक्ष्मी ने फ्रॉक पहनी हुई थी और उसकी चमक गांव को रौनक में डाल रही थी। तभी एक आम गांव वाला उससे मिलकर कहा, लक्ष्मी जी, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई इतनी अचानक। लक्ष्मी मुस्कराए और बताई, ये जादुई फ्रॉक ने मेरी जिंदगी को सुंदरता से भर दिया है। पहले हमारा घर बस एक झोपड़ी था, लेकिन अब हमारा घर एक सुंदर मकान बन गया है। गांव वाला चौंके रह गया और पूछा, क्या ये सब सिर्फ इस फ्रॉक के कारण हुआ है? लक्ष्मी ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, ये जादू इस फ्रॉक का नहीं, बल्कि मेरे आत्मनिर्भरता और मेहनत का है। ये फ्रॉक सिर्फ मेरे आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। इसके बाद लक्ष्मी ने गांव वालों को अपने जीवन की कहानी सुनाई और उन्हें ये सिखाई कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए आत्मनिर्भरता और मेहनत से कोई भी कारगर जादू नहीं है। गांव वाले ने भी उससे प्रेरणा ली और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव करने का निर्णय लिया। गांव में एक नई ऊर्जा फैली और लोगों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। इस तरह जादुई फ्रॉक ने गरीब बहू लक्ष्मी के जीवन को समृद्धि और सुख की ओर मोड़ दिया और उसने अपनी आत्मनिर्भरता और सहानुभूति के साथ अपने गांव को भी समृद्धि की ओर बढ़ने में सहायक हो दिया। कुछ समय बाद गांव में एक विशेष दिन आया, वसंत पंचमी। लक्ष्मी ने गांव वालों को एक साथ मिलकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को जोड़कर एक बड़े स्तर पर समर्थन और मित्रता का संदेश दिया। फिर वसंत पंचमी के दिन गांव का मौसम भी बहुत सुहावना था। लक्ष्मी ने गांव के मैदान में सजीव रंग बिखेरने का निर्णय लिया। वह गुलाबी, पीली और हरे रंगों की फूलों की बगिया लेकर आई और सभी लोगों को एक साथ मिलकर मिलनसर बना दी। गांव वाले ने अपनी उंगलियों में मिठाइयां रखी और मिलनसर में सभी को बुलाया। लक्ष्मी ने सभी को समर्थन और प्रेम की भावना से गले लगाया और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस सुखद मौके पर लक्ष्मी ने गांव के छोटे मोटे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक स्कूल खोला और उसमें मुफ्त शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। गांव की जनता ने उसके इस कदम की सराहना की और उसे आत्मनिर्भरता और समर्पण की मिसाल माना। लक्ष्मी ने दिखाया कि सच्ची बदलावी तभी आती है जब हम समृद्धि के साथ अपने समुदाय का समर्थन करते हैं। गांव में एक नया उत्साह भरा हुआ था और लक्ष्मी की मेहनत ने गांव को एक नए दौरे में ले जाया। उसकी जादुई फ्रॉक ने न केवल उसकी जिंदगी को सुंदर बनाया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। लक्ष्मी ने सिखाया कि हमें कभी हालातों को आपस में जोड़कर उन्हें परिवर्तित करना चाहिए और अपनी ताकत को खोजने के लिए हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। उसकी कहानी ने बताया कि सच्ची मेहनत, उम्मीद और समर्पण से कोई भी मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है और अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। इस प्रकार लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी की जड़ों में जादू भरा और उसने अपने गांव को भी सुंदर और समृद्धशील बनाने में सहायक बना दिया।